आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि कैनन कोई भी प्रिंटर का कॉल बुक कैसे करेंगे मोबाइल से। ठीक है, मोबाइल से मान लीजिए आपका टोल फ्री नंबर नहीं लग रहा है तो मोबाइल से कॉल बुक करना है। सबसे पहले तो गूगल क्रोम सभी बोलता लेने के लिए ले लीजिए, न्यू पेज भी ले लीजिए। कैनन सपोर्ट में जाइए, एकदम आराम से कैनन सपोर्ट इंडिया, कैनन सपोर्ट इंडिया में जाइए। पहला वाला कैनन सपोर्ट इंडिया में क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको जाना है कॉन्टैक्ट में जाइए। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद लुकिंग सर्विस में जाइए, लुकिंग फॉर सर्विस में जाइए, उसके नीचे आइए सर्विस रिक्वायर्ड में जाइए, रेशू सर्विस रिक्वायर्ड। उसके बाद आप कैटेगरी में आप सिलेक्ट कीजिए आपका कौन सा प्रिंटर, लेज़र है, इंजेक्ट है, प्रोजेक्टर है, क्या जो भी डॉक्यूमेंट है। तो ज़्यादातर तो इंजेक्ट का लेज़र का ही कॉल बुक होता है। ठीक है, तो ये रहा आपको इंजेक्ट, ये रहा लेज़र प्रिंटर। तो अपना मान लीजिए इंजेक्ट है, इंजेक्ट पर क्लिक किया, सीरियल नंबर डाल दिया, कोई भी सीरियल नंबर डाल दिया, सबमिट कर दिया। इसको प्रिंटर का पीछे में होता है सीरियल नंबर लिखा हुआ, हर एक प्रिंटर का होता है। वैलिड चेक करेंगे, आ गया। ये डिटेल्स को भरिए, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम और फ़ोन नंबर नहीं देना, चौधरी का ईमेल आईडी बात दीजिए, है तो दीजिए, तो बात दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, लैंडमार्क डाल दीजिए, पिन कोड में ध्यान रखिएगा, जो पिन कोड डाल रहे हैं वो पिन कोड में अगर कॉल बुक नहीं हो रहा है तो पिन कोड फिर चेंज कीजिएगा, या आपके आसपास में कोई जो फेमस जगह है वहाँ का पिन कोड डालिएगा। उसके बाद सर्विस टाइप में अगर नया प्रिंटर है तो इंस्टॉलेशन डालिएगा। ठीक है, अगर ब्रेक डाउन है तो इंस्टॉलेशन डालेंगे तो कुछ नहीं पूछेगा आपको, यहाँ पे डायरेक्ट आप कैप्चर कोड डालिए, सबमिट कर दीजिए। अगर आपका ब्रेक डाउन कॉल है तो आपको फिर नीचे पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम, आपको ही पता नहीं रहता क्या है, सामने वाला कोई पता नहीं रहता है। तो कांट कॉपी सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद दूसरा वाला में जो है कांट स्कैन, कांट कॉपी सेलेक्ट कीजिएगा और कैप्चर डाल के सबमिट कर दिया, CSP ID यहाँ पे आ जाएगा, स्क्रीन शॉट रख लीजिएगा, कॉल बुक हो गया आपका। धन्यवाद।